नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर है। आप देख रहे हैं अमर टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पेनड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए। हमें एक पेनड्राइव चाहिए और एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि मैं अभी आपके सामने डाउनलोड करके दिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर का नाम है पावर आईएसओ और एक हमें इमेज की रिक्वायरमेंट होगी, आईएसओ इमेज फाइल की। मैं पहले पावर आईएसओ को सर्च कर लेता हूं। मैंने टाइप किया पावर आईएसओ, एंटर प्रेस करता हूं और ये रहा पावर आईएसओ का ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है, उस पर क्लिक करता हूँ मैं तो ये खुल गया है पावर आईएसओ का होम पेज। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में जो भी जानकारी और कुछ दिया हुआ है, सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आप इसमें अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर में भी जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने विंडोज़ का जो वर्जन है उसको चेक कर सकते हैं, या आप लिनक्स के लिए और मैक ओएस के लिए भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल मैं 64 बिट का डाउनलोड करूँगा। यहाँ से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर से। तो चेक करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको मिल जाता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके हिसाब से आपको अपना डाउनलोड करना है। यहाँ से मैं अपने 64 बिट का डाउनलोड कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे कुछ अलग से सॉफ्टवेयर का जो है हमें नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको मैं स्किप करूँगा। स्किप करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ मैं। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड शुरू हो गया है, मैं इस पर एक बार ओपन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड फोल्डर में भी जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे एग्री और इंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का टर्म्स और ये कुछ एंटीवायरस का अलग से आ रहा है, मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट करता हूँ और ये इंस्टॉल। तो ये देख रहे हैं आप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आप फाइल वर्जन, फाइल के टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के फाइल को आप इसमें अलाउ करना चाहते हैं। मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और क्लोज पे क्लिक करता हूँ। अब राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये ओपन हो चुका है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है हमारा फ्री वर्जन है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड पे आपको फिर क्लिक करना है। आप इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर कुछ जानकारी ले सकते हैं। मैं कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम कई एक काम कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम टूल्स को सेलेक्ट करेंगे और टूल्स में हमें ऑप्शन आएगा वो बूटेबल बनाने का। मैं टूल्स पर जाके और जाता हूँ क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव पे। यहाँ से आपको बूटेबल यूएसबी ड्राइव का जो ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे इमेज फाइल को सेलेक्ट करने के लिए आपको दो तीन तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको और कुछ, जैसे सीडी से आप ब्राउज़ करना चाहते हैं आईएसओ फाइल को, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क पे क्लिक करके। नहीं तो इमेज फाइल अगर आपके केस में है तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिसाब से अच्छा आपको आपको जो फिट होता है। तो मैं यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करता हूँ और मैं अपनी इमेज फाइल को डेस्कटॉप से उठाता हूँ, विंडोज ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये हो गया इमेज फाइल। अब डेस्टिनेशन में जो है हमारा पेनड्राइव है, मैंने 16 GB की पेनड्राइव लगा रखी है इस पर। और यहाँ से यूएसबी को एचडीडी में ही रहने देते हैं, यूएसबी एचडीडी। और यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो ये आपको एक मैसेज आएगा कि अगर आपने कोई इसमें डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, तो अपना बैकअप ले ले पहले आप इसमें। और यहाँ से मैं ओके करता हूँ, स्टार्ट हो गया ये। इतनी देर के लिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जैसे ये कंप्लीट होता है मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ये शुरू हो चुका है। ध्यान देना है आपको इसमें अपना जो भी है डाटा पेन ड्राइव का, आप उसका एक बैकअप बना ले पहले से ही, क्योंकि इसमें बूटेबल बनाने के बाद आपका डाटा जो भी है वो डिलीट हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने तो इसको बढ़ा रखा है स्पीड में, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं।
ये 10 या 15 मिनट का टाइम लेता है। ये सक्सेसफुल हो चुका है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ और पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा रखा है मैंने। इस यहाँ से मैं F12 बटन को प्रेस करता हूँ बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। बूट मेन्यू ओपन हो चुका है मेरा। यहाँ से मैं अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो हमारा पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। तो ये पेन ड्राइव हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको विंडोज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे सब कुछ आपके सामने है, सारे विंडोज़ के वर्जन आपको दिख रहे हैं इसमें। विंडोज 10, 7, 8, 8.1। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।